श्री मुक्तसर साहिब पुलिस द्वारा शरारती तत्वों पर काबू पाने के लिए जिले भर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस तलाशी अभियान और नाकाबंदी के दौरान थाना कबरवाला पुलिस ने एक व्यक्ति को एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस बारे जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर सचिन गुप्ता ने बताया कि थाना कबरवाला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अबोहर से आ रही एक बस में की गई चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को देसी पिस्तौल 32 बोर और दो जिंदा कारतूस के साथ काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ थाना कबरवाला में आर्मज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे इसे सूरत शहर के बिलिमोरा नामक जगह से लेकर आया है। वहीं एसएसपी डॉक्टर सचिन गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी माना है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ संबंधित है और अपने साथियों के साथ काफी समय से गुजरात के कच्छ इलाके में रह रहा था। वे ये पिस्तौल लेकर अपने घर बटाला की तरफ जा रहा था, जिसको पुलिस ने काबू कर लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, माननीय डीजीपी पंजाब साहब के हुक्म के अनुसार नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है पंजाब में पूरे, और गैंगस्टर्स के खिलाफ भी मुहिम चली हुई है। तो उसी के तहत श्री मुक्तसर साहब पुलिस कई जगहों पे सरप्राइज नाके चेकिंग कर रही है, और इस पूरी मुहिम के तहत हमें कामयाबी मिली है। हमारे पुलिस स्टेशन कबरवाला में एक नाका लगाया हुआ था, जिसमें हमने दौरान चेकिंग एक बंदे पे शक हुआ। उस आदमी को जब थोड़ा सा सख्ताई से पूछगिछ करी गई तो वो और घबरा गया, और उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी। तो उसको काबू किया और उसको पूरी तरीके से उसके सामान को काबू में लेके वहीं पे चेक किया बस में। तो उसमें हमें एक वेपन मिला, ये वेपन 32 बोर की एक पिस्टल है, और दुनिया तफ्तीश उसने कबूला कि ये पिस्टल वो पीछे से गुजरात से लेकर आया था। ये आदमी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएटेड है और अपने साथियों के साथ टच में था, और इसने अभी तक कुछ और वारदातों में जहाँ ये शामिल है उसके बारे में हमें इत्तला दी है कि ये पीछे वारदातें करके आया है, जो कि हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को हमने शेयर करा है। ये पीछे से वैसे बटाला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और इसके पास एक पिस्टल और दो राउंड हमें मिले हैं। सर, कितने आदमी थे? ये एक ही आदमी था जी, पर हमें शक है कि इसके साथ और भी साथी हो सकते हैं, क्योंकि ये गैंग के साथ एसोसिएटेड है, एक्टिव गैंग के साथ एसोसिएटेड है, जो कि आप अब जानते हैं कि एक बड़े मर्डर केस में जिसकी तफ्तीश चल रही है। इसने कबूले हैं, इस पर कुछ और भी वारदातों में शामिल रहा है, बाकी वो FIR हुई हैं नहीं हुई हैं या उन पर क्या हुआ है, वो उसके हम अभी बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। ये बटाला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है जी, वहाँ पे वहाँ के से जा ही रहा था, बटाला की तरफ जा रहा था जब यहाँ पे इसे काबू किया गया।